लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद यूपी के मेरठ में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान शुरू कर दिया। मेरठ में जिला प्रशासन ने ट्रांसजेंडर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया, जो समाज के हर वर्ग में मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करेंगे। चुनाव आयोग के निर्देश पर मेरठ के विकास भवन में ट्रांसजेंडर के अधिकारों और हितों की रक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम और गोष्ठी का आयोजन किया गया। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए मतदाता जागरूकता के लिए जनपद स्तर पर स्वीप योजना के अंतर्गत थर्ड जेंडर को अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने, प्रचार प्रसार करने, सभी से अपने वोट का प्रयोग कर मतदान करने का अनुरोध किया गया। आज क्या कार्यक्रम हुआ था मतदाता जागरूकता को लेकर? आज उभयलिंगी व्यक्तियों यानी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो स्वीप का कार्यक्रम चल रहा है, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, उसके तहत जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं उनकी लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग जो हमारे आने वाले लोकसभा के चुनाव हैं उसमें प्रतिभाग करें, उसके लिए हम लोगों ने एक शपथ दिलाई। और जो भी ऐसे लोग जिनके अभी तक मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़े थे उनके लिए हम लोगों ने फॉर्म 6 भी भरवाने का यही तत्काल काम किया। और आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदया और जो स्वीप के कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर मेघराज जी, वो उपस्थित थे और उनके द्वारा इस प्रकार की शपथ दिलाई गई कि हम अधिक से अधिक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग इस बार लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।